हीरापुर में ना तो अगला गद्दी नशीन मौजूद है, ना गद्दी के लिए मशरूत मुस्तकबिल की बादशाह बेगम। अब्बा हजूर के बाद ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको ये गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। उन लड़कियों को गफलत, क्या तुम्हारे बाप ने मुझे इतनी भी इजाजत दी कि मैं उन लड़कियों को इस हवेली की रिवायात पर पाबंद रख सकती? माना कि वो इस खानदान की नहीं है, मगर है तो पीरों की जायज औलाद। बहरहाल, इस सब का जिम्मेदार हमें ही ठहराया जाएगा। पीर शाह आलम तो शहर जाके ये समझ बैठे हैं कि लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लोग अंधे नहीं शाहजेब। पीरापुर की हदूद के बाहर मैं बेबस हूं। बहरहाल, जो मेरे बस में है वो इस खानदान को उसकी विरासत की जमानत देना, शादी के लिए इजाजत दीजिए बादशाह बेगम। पीरापुर के गद्दी नशीन की बीवी सिर्फ मलिका नहीं होती, वो उस मुकद्दस कोख की जमानत भी होती है जिससे बादशाह बेगम को जन्म लेना है। मैं ऐसे किसी फैसले की इजाजत नहीं दे सकती जिससे गद्दी को खतरा हो। इजाजत दे नहीं सकती कि देना नहीं चाहती। जब गद्दी ही नहीं रहेगी तो अब कैसा? मैं कैसर से किसी सूरत हार नहीं मानूंगा। मुझे मेरी हदूद पार करने पर मजबूर मत कीजिए।